सुंदर लड़कियों को किस प्रकार से अपने पिक्चर्स को खिंचवाना चाहिए या फिर उन्हें कैसे फोटोज़ में प्रेजेंट होना चाहिए जिससे वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे, स्टेज रेडी लगे, इसके लिए कुछ मैं टिप्स बताना चाहता हूँ आज आपको। तो आई एम श्योर आपको इस विषय में इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट है तो आपको एक ही चीज़ करना है, आपको मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहना है। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है। देखिए फोटोग्राफी में क्या है, कंपैरिजन होता ही होता है, और जो भी आप फोटोज़ खिंचवा रहे हैं उसमें ये याद रखिए कि आप अकेले ना हो। अगर आप एक एवरेज लुकिंग गर्ल हैं और या थोड़ी सुंदर हैं आप, तो अगर आप अपना डायरेक्ट फ़ोटो डालेंगी तो इतना एप्रिसिएशन शायद आपको न मिले। आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पर स्टेटस पे डालते हैं या फिर आप फेसबुक पे डालते हैं, मेरा ये सजेशन है कि आप है ना एक ऐसे दोस्त के साथ रहिए, एक ऐसी लड़की के साथ जो कि दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, मतलब आपके जितनी सुंदर नहीं है। तो मैं बताऊं आपको कि कंपैरिजन बहुत होने लगता है। आप अकेले फ़ोटो डालते हो वो तो आप डाल ही रहे हो, लेकिन मेरा ये टिप मानिए कि एक ऐसी लड़की को ढूंढिए, हो सकता है वो आपकी फ्रेंड हो या बंच ऑफ फ्रेंड्स में से एक हो, और वो दिखने में इतनी अच्छी ना हो, इतनी अच्छी ना हो कि जितनी अच्छी आप हैं, तो फिर आपको क्या करना है मालूम है, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना है और फिर उसको पोस्ट करना है। इससे क्या है कि जब कोयले के साथ हीरे को रखा जाता है तो हीरा हमेशा चमकता है, और लोग कोयले के अंदर हीरे को तलाशना शुरू कर देते हैं। उनको पता लग जाता है कि यार ये लड़की वाकई बहुत ही दिखने में सुंदर है, एकदम टोटा हो रही है। और कलर्स का प्रयोग आप सही तरीके से करें। अगर आपका ब्राइट कम्प्लेक्शन है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट रंगों से बचना चाहिए। जैसे कि समझो आप एकदम ही गोरे इंसान हैं, तो मेरा सजेशन है नेवी ब्लू, ब्लैक कलर आप पे बहुत सेक्सी लगेगा। अगर आप एकदम येल्लो के लिए जाओगे ना तो ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी, याद रखो। तो इसलिए जो गोरी लड़कियां हैं ऑलरेडी उनको भगवान ने गोरा बनाया है, और किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि गोरे रंग का ज़माना कभी हुआ ना पुराना, सारी दुनिया तो गोरी लड़कियों के पीछे ही भाग रही है, गोरी चिट्टी लड़कियों के पीछे, चिकनी लड़कियों के पीछे। तो आप जब पिक्चर खिंचवाने जाएं या एक स्पेशल फ़ोटो आपको डालना है, तो फिर नॉर्मली भी आपको ऐसे में ही 15 दिन में एक फेशियल निकलवाना ही चाहिए एक अच्छी जगह से। और अगर आपको पिक्चर खिंचवाना है तो 2 या 3 दिन पहले आप फेशियल करवाइए। जैसे कि वेडिंग शूट होता है ना, आप सुंदर लड़की, आपकी शादी होने वाली है, तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले मेरा सजेशन है आपको फेशियल करवाना चाहिए। एकदम उसी दिन फेशियल करवा के फ़ोटो खींचेंगे इतना अच्छा फ़ोटो नहीं आएगा। फेशियल का जो असर है वो आपको 1 या 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन के बाद ही दिखता है, ये एक फैक्ट है। जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से हैं मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। इसलिए फ़ोटो खिंचवाने से पहले, फ़ोटो शूट करवाने से पहले ये याद रखिए कि आप फेशियल ज़रूर करवाएं और 2 दिन पहले करवाएं, तभी उसका असर दिखेगा। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आपका हेयर कट ठीक होना चाहिए, चेहरे पे कहीं बाल ना नज़र आए, और अच्छा कैमरा यूज़ करें, और अच्छा कैमरा नहीं है तो प्रोफेशनली शूट करवाएं। लेकिन बहुत सारे फ़ोटो ना डालें, बहुत सारे फ़ोटो डालने से क्या है, कहते हैं ना सप्लाई बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगी। इसलिए कम फ़ोटो डालें, प्रोफेशनली शूट करवाएं, ऐसा फ्रेंड ढूंढ लें कि जो फोटोग्राफी बहुत अच्छी करता हो, और कोयले और हीरे वाली बात का ध्यान रखें कि अगर हीरा कोयले में सराउंडेड रहेगा, कोयले के बीच में रहेगा, तो हीरा ज़्यादा चमकता है। इसलिए ऐसे फ्रेंड्स को ढूंढ लें जो इतनी अच्छी दिखने में नहीं है। अपने से अच्छी दिखने वाली लड़की के साथ कहीं फ़ोटो खिंचवाओ ही मत, वो खिंचवाओ तो उसको कहीं पोस्ट मत करो, ठीक है।
तो ये टिप्स आपको ध्यान रखना है। कैसे लगे ये टिप्स? अगर अच्छे लगे तो YouTube कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन ऐसे ही ट्रिक्स और टिप्स आपके साथ साझा करते हुए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।